मैं अर्चना, वेलकम टू सोगानीज किचन। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी मावा कुल्फी तीन फ्लेवर्स में, रोस्टेड आमंड कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, केसर मावा कुल्फी। कुल्फी बनाने के लिए भिगोने में पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर हमने लिया है 2 लीटर दूध। दूध को बॉईल करने के लिए रखेंगे और हम 4-5 चमचे दूध के अलग निकाल देंगे। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध बॉईल हो गया है, अब मैं गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखूंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी। आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलने का भी डर रहता है और ये बह भी जाएगी। पर अगर आपके पास कंटिन्यूस चलाने का टाइम ना हो तो आप गैस फ्लेम को लो पे कर दें, उससे आपको कम चलाना पड़ेगा। हमने ये जो दूध अलग निकाला था, इसमें हम 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना रहे। 2 लीटर दूध में 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर की डालेंगे। अब मिल्क पाउडर वाले मिल्क को हम इस मिल्क में ऐड करेंगे, पर इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो ना डालें, बस उससे दूध गाढ़ा होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। हम 1/2 कप मखाने लेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। मखानों को हमने 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे, अब आप देखेंगे मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब आप देखेंगे मखाने को हमने दरदरा पीसा। अब इसे हम कुल्फी में धीरे धीरे करके डालेंगे। मखाने डालने से दूध गाढ़ा भी जल्दी हो जाता है और कुल्फी हेल्दी भी हो जाती है, क्योंकि मखाने में कैल्शियम बहुत होता है। अब हमारा दूध काफी बॉईल हो चुका है, अप्रॉक्स 1/2 रह गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ देती है तो कुल्फी पतली हो जाती है। तो हमने 4-5 मिनट दूध को पका लिया है, कुल्फी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। देखेंगे कुल्फी काफी गाढ़ी हो गई है। ये हमारा दूध अप्रॉक्स 1/4 ही रह गया है। घर पे सभी के पास मलाई अवेलेबल रहती है, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मलाई। आपके पास जितनी मलाई हो, आपके पास कम मलाई हो तो कम डाल लें। मलाई डालने से कुल्फी में अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। ये हमारी 3-4 दिन की इकट्ठी करी हुई मलाई है। मलाई को इकट्ठा करके हम फ्रीजर में रखते हैं। फ्रिज की रखी हुई मलाई कई बार खराब हो जाती है। मलाई डालने के बाद हमने अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट दूध को और बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, इलायची डालने के बाद इसको 1 मिनट पकाएंगे और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे ये दूध कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा लग रहा है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। हम पहले रोस्टेड आमंड कुल्फी बनाएंगे। हमने 8-10 बादाम को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम चॉकलेट कुल्फी बनाएंगे। हमने 2 डेरी मिल्क ली है 20 रुपीज वाली। हमने चॉकलेट को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था और दूध भी हल्का सा गर्म था तो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब आप इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहें तो थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। चॉकलेट कुल्फी में आप अखरोट और बादाम भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे केसर मावा कुल्फी। इसके लिए हम डालेंगे बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता, और ये हमने कुल्फी वाले मिक्सर में थोड़ी सी केसर भिगो दी थी वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी हम सांचे में भरेंगे। इसे अब हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए। कुल्फी जम गई है, इसे हम पानी में डालकर निकालेंगे। अब आप देखेंगे कुल्फी बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट, क्रीमी और बहुत टेस्टी बनी है। आप तीनों फ्लेवर की कुल्फी घर पे बनाएं, सबको खिलाएं
कुल्फी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करें।